सर जी नमस्ते। हाँ भाई नमस्कार। सर वो हुआ क्या, मैं बाइक पे जा रहा था और एक अंकल ने मेरी फोटो खींच ली। पुलिस वाले ने? हाँ पुलिस वाले ने जी। बाइक पे आपने हेलमेट ना लगा रखा होगा? हाँ जी भाई हेलमेट ना लगा रखा था, उन्होंने फोटो खींच ली। यार फोटो और बाइक का क्या लेना देना जी। तो आपकी उन्होंने फोटो खींच ली? हाँ जी। तो मैं बता देता हूँ, बाइक पे जब भी फोटो खींचते हैं या तो ट्रिपल राइडिंग यानी तीन आदमी बैठे हो, या अगला या पिछला दोनों में से एक हेलमेट ना लगा रहा हो या दोनों ना लगा रहे हो। तो जैसा कि हम मशीन से चलान काटते हैं, वैसे ये मशीन है ऑनलाइन मशीन जो जिसे हम चलान करते हैं, लेकिन अब एक नया ऑप्शन दिया है कि चलान भी आ जाए और बंदे को रोकना भी ना पड़े और ना कोई डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत। अब जैसे ये कह रहा है कि मेरा फोटो खींच लिया, फोटो से क्या होता है, जैसे बाइक है, बाइक पर एक सवारी बैठी है, दो है, तीन है, किसी ने उनमें से एक ने भी हेलमेट नहीं लगाया है, चाहे आगे वाले ने या पीछे वाले ने, और फोटो खींच लिया जैसा कि आपने बताया, उस फोटो का क्या मतलब होगा मैं आपको बताऊंगा। ये मशीन है तो मशीन से तो हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, लेकिन मोबाइल के आजकल चलान कर दिए। मोबाइल का क्या मतलब है, उस मोबाइल में एक ऐप दे दी, आप ऐप देखो तो ये है, जैसे ऐप है ये वायलेशन जो ट्रैफिक का वायलेशन का है, वायलेशन ऐप हो गया ये। अब इसके अंदर ये न्यू रिपोर्ट और रिपोर्टेड ऑफेंस लिस्ट, नीचे वाली लिस्ट दबाएंगे तो ये बता देगा भाई कौन किस किस व्हीकल की आपने भेजी है और उसका क्या रहा, क्या वो रिजेक्ट हुआ, पेंडिंग में है या अप्रूव्ड हो गया। हमारे वो नहीं, हम तो यहाँ से टोडापुर भेज देते हैं तो रिजेक्ट कर देंगे वो, और अप्रूवल तुरंत समझ में आ गया सही, कोई नंबर सारे सही है, सब कुछ सही है तो तुरंत अप्रूवल कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये फ़ोटो को फोटो ना समझना, ये एक चलान की नई ऐप आई है, से चलान कर देते हैं इस प्रकार से, हम ऐप से चलान कर देते हैं इस मोबाइल से, खाली फोटो ली है। अच्छा अब सवाल इस चीज़ का उठता है कि इसके अंदर फिलहाल कौन से चलान होते हैं। तो मोबाइल ऐप के अंदर जो है चलान की लिस्ट होती है एक, उसमें वायलेशन स्टॉप लाइन, अगर स्टॉप लाइन पर अपनी गाड़ी चढ़ाई है, डेंजरस एंड जिक जैक ड्राइविंग, डिफेक्टिव नंबर प्लेट, आप नंबर प्लेट INDI वाली ना लगा के और वैसे डिफेक्टिव नंबर प्लेट लगाते हो तो उसका भी होता है, पार्किंग ऑन फुटपाथ, अगर फुटपाथ पर अपनी गाड़ी या टू व्हीलर लगाया तो भी, इम्प्रॉपर पार्किंग, ऐसी जगह आपने जैसे नजफगढ़ में देखते हो या और भी जहाँ पर रोड पे अपनी गाड़ी या टू व्हीलर लगाया, पुलिस ट्रैफिक पुलिस आएगी एक क्लिक लगा लेके चले जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और सीधा मैसेज आ जाएगा फ़ोन पर, ड्राइविंग अगेंस्ट द फ्लो ट्रैफिक, यानी कि जिस साइड में ट्रैफिक जलना था उससे रॉन्ग साइड में अगर हम जाते हैं तो उसका भी एक क्लिक लेना है और आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा। विदाउट सीट बेल्ट का भी, जैसे रोड पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है आप बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहे हैं, उसने एक क्लिप लिया, आपका फोटो आ गया, वो आपके नंबर पर भेज दिया, जैसे मैंने अभी बताया था। इस प्रकार से ट्रिपल राइडिंग टू व्हीलर, एक टू व्हीलर पर तीन सवारी बैठी है उसका भी एक फ़ोटो खींचेंगे और नंबर प्लेट आ जाएगी और उसके पास भेज देंगे। एक बात मैं और बताऊँ यहाँ पर, अगर नंबर प्लेट भी डिफेक्टिव है, तीन सवारी भी हैं, हेलमेट भी नहीं है, तो तीन चलान होंगे एक साथ, क्यों, एक नंबर प्लेट का हो गया, एक विदाउट हेलमेट का और एक तीन सवारी का, 2000 का ट्रिपल राइडिंग का, 1000 का विदाउट हेलमेट का, हालांकि दो का भी हो सकता है क्योंकि पिलन का और चलाने वाले का। दूसरा है वायलेशन येलो लाइन, अगर ये पीली लाइन का हमने वायलेशन किया है तो भी, लेन वायलेशन, लेन वायलेशन क्या होता है, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल को बाएं लेन में चलना होता है या फुटपाथ के साथ वाली जो लाइन होती है
उसमें फास्ट चलता है, फास्ट चलने वाला, तो उसमें लाइन वायलेशन बोलते हैं। आजकल नई एक दिया है नो एंट्री ई रिक्शा की, ई रिक्शा का फोटो खींचते ही नो एंट्री का चलान हो जाता है। तो ई रिक्शा जैसे नजफगढ़ में फिरनी पे 24 घंटे ई रिक्शा की नो एंट्री है, ये चलान फोटो खींचते ही आ जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, अपने टू व्हीलर पे जब भी जाओ हेलमेट लगा के जाओ, नंबर प्लेट सही हो, अपनी कोई भी किसी भी गाड़ी को ऑन रोड ना खड़ी करके जाओ। सब्जी या कोई भी सामान लेने जाते हो, इतने में अगर ट्रैफिक वाले ने आके एक फ़ोटो क्लिक मार दिया, आगे से ट्रैफिक वाला हो रहा, आप विदाउट हेलमेट हो तो एक क्लिक मार दिया, या पीछे से मार दिया, आप सीट बेल्ट के बगैर एक क्लिक मार दिया, तो आपके फ़ोन पर मैसेज चला जाएगा और आपका चलान हो जाएगा। तो इस फोन का जो फोटो खींचते हैं ना, इसको आम फोटो मत समझना, ये एक नई ऐप दी है वायलेशन की, जिसके माध्यम से चलान होते हैं। आपको समझ में आई मेरी बात? तो ये है भाई, इससे चलान होते हैं। मैं एक बात और बताऊं कि हम ऐसी ऐसी वीडियो को शेयर करते हैं, लेकिन काम की बात को शेयर नहीं करते। ये हर आदमी के काम की बात है, क्योंकि रोड पर व्हीकल हर आदमी के पास है, रोड पर भी हर आदमी जाता है, चाहे पार्किंग और चाहे नहीं। बहुत से कहते जी यहाँ पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा, नो पार्किंग का नहीं लगा। नो पार्किंग वो जगह होती है जहाँ पार्किंग का बोर्ड ना हो, ऑलरेडी नो पार्किंग है। तो आप रोड पर खड़ी करके जाओगे, इतने में क्लिक हो जाएगी। इस तरह की वीडियो को हम लोगों को नहीं भेजते, तो इस वीडियो को, इस तरह की वीडियो भेज के हम लोगों से, लोगों का चलान बचाया जा सकता है, उसका पैसा बचाया जा सकता है। पहली बार में 500 रुपये इम्प्रॉपर पार्किंग का, और दूसरी बार में 1500 रुपये का होता है। मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की वीडियो को भेजो, लोगों को जागरूक करो। मैं एस आई रामवीर सांगवान, ZO दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जय हिंद जय भारत।